गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। माता रानी सब पे कृपा बना कर रखें और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। उसके लिए आप देख रहे हो कुछ एक इंग्रेडिएंट जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, और इससे मैं बनाने वाली हूँ क्विक हेल्दी टेस्टी रेसिपी। अगर आप फास्ट नहीं भी हैं तो भी इस तरह की खिचड़ी बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े, उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये भुना हुआ जीरा है जिसका मैंने पेस्ट बनाया है, और जो भी चीज़ें आपको इस प्लेट में दिख रही हैं, साबूदाने को मैंने ऑलरेडी पहले से ही सोख करके रखा है, बहुत ही अच्छे से सोख हो गया है। एक कढ़ाई लेनी है, पैन लेना है, उसमें मैंने जीरा और करी लीव डाल दी है, ग्रीन चिली डाल दी एंड आलू डाल के अच्छे से इसे ब्राउन होने तक पकाना है। और जितने इंग्रेडिएंट्स प्लेट्स में थे ना, वो मैं पहले ही साबूदाने में मिक्स करके रख देती हूँ, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है ना कि साबूदाने की खिचड़ी चिपक जाती है। मेरे साथ भी होता था। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल खिली हुई बनेगी और खाने में भी बहुत यम्स बनने वाली है। और आप लोगों के नवरात्रि कैसे जा रहे हैं? पूजा 9 डेज का फास्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूजा तो मॉर्निंग इवनिंग में चल ही रही होगी। आई नो, माता रानी आई हैं आखिर घर में, और काफ़ी सारे से फेस्टिवल अब बस वन बाय वन आ गए हैं, जैसे कि करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई, तो अब सबके घरों में है ना, बस उसी की रौनक लगी पड़ी होगी। मेरे घर में कुछ और रौनक है, अभी आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। तो चलो एंजॉय करो आप आज की मेरी खिचड़ी वाली रेसिपी। ठीक है, अभी देखती हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हूँ, लाइक मैंने अपनी ड्रेस चेंज की है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है, बालों को एज यूजुअल टाई किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। हैप्पी नवरात्रि टू, क्योंकि ये व्लॉग आई थिंक नवरात्र में ही जाने वाला है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। डिपेंड्स ऑन एडिटिंग कि मैं कब करके डालूंगी। तो अभी शाम का टाइम है, 5:30 अराउंड का टाइम हो गया है, और कैमरे में आई डोंट नो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वाइट दिखा रहा है। अभी मुझे इसमें कुछ सेटिंग में आई थिंक हो गया, चलो मैं देखती हूँ इसके बाद। सो अभी मैं निकल रही थी, यहाँ पे एक मॉल है जो कि मैं पहले वाले व्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ आपको, गौर मॉल करके है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा भी है। तो उसका भी मैं कुछ क्लिप शूट करके आपके साथ दिखाऊंगी कि क्या क्या है। लास्ट व्लॉग में आया था कि आपने इतने रेंडमली दिखा दिया, कुछ बताया ही नहीं मॉल के बारे में, तो आज मैं ट्राई करूँगी। वैसे आज मैं कुछ खरीदने नहीं जा रही हूँ, मेरा भाई आया हुआ है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और बाकी की चीज़ें भी कर रही हूँ, अवॉइड दिस मैसी थिंग्स, क्योंकि अभी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा गप्पों में और खानों में जा रहा है। बाय द वे, मैंने फास्ट नहीं किया है, डे वन फास्ट था। आप लोग बताइएगा कैसे वाले नवरात्रि जा रहे हैं सारे। बाकी मैं निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है, एंड मिलती हूँ आपको मॉल चल के, मतलब मिलती क्या है, हम चलते हैं साथ में मॉल। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं चेक करूँ सेटिंग। ये है कुछ गौर मॉल की बिल्डिंग। तो आज मैं कोशिश करूँगी, मोस्टली मैं जितना भी हो सकता है ना उतना दिखा सकूँ आप लोगों को, और प्लीज़ कॉपरेट दिस वॉइस, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और मैंने वो नहीं लिया है। तो ये यहाँ पे है एंट्री गेट। सो गाइज, ये यहाँ पे एक शॉप है जो ये लोग है ना स्केचिंग से बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना रहे थे। 400, 500, 1000, 5000 कुछ इस तरह से अलग अलग प्राइस थे। और यहाँ पे मेरे साथ हुई एक ट्रेजेडी कि यहाँ पे जो गार्ड थे ना, उन्होंने मुझे कैमरा लेके हाथ में घूमने के लिए मना कर दिया। तो इसके आगे की जो भी क्लिप है ना, वो आप सारी मेरे फ़ोन से देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट मैंने कोशिश की है अच्छे से लेने के लिए, यहाँ पे अलाउ नहीं करते, आई डोंट नो। तो ये इस मॉल का बेसमेंट है, इस तरह से बाहर कुछ शॉप्स टाइप्स की लगाई गई हैं, स्टॉल टाइप के हैं, स्टोक बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पर है ये मार्केट 99। तो यहाँ पर आप, मैं पहले भी आई थी तो मुझे डेकोरेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी सी चीज़ें मिल रही हैं, और साथ ही साथ अभी फेस्टिवल आने वाला है तो न्यू अराइवल जो है उसमें बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं है किसी भी चीज़ में, बाकी यहाँ पे अच्छा खासा सा डिस्काउंट है।
कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी हैं, लाइक ये जो सिटिंग आप देख रहे हो स्टूल टाइप के, बहुत अच्छे लगे मुझे। अगर बालकनी है, गार्डन है, आपको डेकोरेट करना है तो कुछ इस तरह का आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन भी सेम चीज़ अवेलेबल है। अगर मैं ऑनलाइन और इसमें प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस था। जैसे कि ये सारे प्लांटर हैं और ये जो ग्रीन लीव्स का बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना, मैं अभी इसको हाथ में लेके दिखाती हूँ आपको, ये वाला, इसका प्राइस 599 है। अगर मैं अमेजोन में देखे, मैंने देखा तो आई थिंक वहाँ पे भी 547 था समथिंग कुछ, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहाँ से मैंने एक दो इस तरह से जो कुशन टाइप के हैं ना, ये लिए, बिकॉज ऑफ मुझे लेना था यहाँ से, और अच्छे दिख गए तो मैंने ले लिया, और रिजनेबल प्राइस में भी हैं। तो देखो आप, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्यूट सी हैं। तो ये बेसमेंट में इस वाली शॉप का जो था ना, ये कुछ इस तरह का आइटम था। साथ में अगर आप, मैं बात करूँ इस मॉल की, तो जो लोग भी पहली बार जा रहे हैं या फेस्टिवल के टाइम पे जाने वाले हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा तो रश नहीं है। जिस दिन मैं गई हूँ तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, बट हाँ आपको चीज़ों की बात करूँ तो सारे से ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये शॉपर स्टॉप है, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने कुछ एक टी शर्ट्स ली थी, जो कि अभी कुछ बहुत अच्छा सा डिस्काउंट तो नहीं मिला मुझे। मैं पहले भी सेम ब्रांड सेम चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, वाटरफॉल टाइप का बना हुआ है, और जो मॉल का इंटरनल एंटर होते ही अगर मैं चारों तरफ राउंड मार के दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लास्ट व्लॉग में मैसेजेस था, इसलिए मैसेज आए हुए थे कुछ, इसलिए मैं आपको कुछ इस तरह का जो है ना एक आउटलुक दे रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ये कैसा दिखता है। तो अभी मैं रात के, रात में अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है ना अभी, तो मैं आई हूँ नर्सरी। मुझे बेसिकली नर्सरी आना था, जो कि मॉल के पास में, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सॉरी टू लाइटिंग, कभी वॉइस कभी लाइटिंग कभी ऐसी होता है मेरे साथ। तो मुझे यहाँ से कुछ एक पॉट प्लांट्स आर्टिफिशियली सब कुछ लेना है। मेरे फेस में शक्ल दिखाई देगी, हाँ वॉशरूम वाला पॉट चाहिए, वॉशरूम वाला नहीं चाहिए, बस ठीक है चलो अभी ठीक है। तो यहाँ अंधेरा है वरना मैं नर्सरी दिखाती हूँ आपको, बहुत बड़ी सी नर्सरी है। तो फाइनली कैसा चाहिए, हमें इतना बड़ा गमला चाहिए होगा क्या? ये सारे प्लांटर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और इनका प्राइस अराउंड ये 300 से स्टार्टिंग थी इनके यहाँ पे। तो जो मीडियम साइज़ के हैं ना, वो 200-250 के अराउंड थे, बट जो अच्छे दिख रहे हैं क्वालिटी वाइज अच्छे थे, तो वो 300 से स्टार्टिंग थी। बहुत ही बड़ी नर्सरी है। मैं यहाँ से पहले भी काफ़ी, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था शायद, लास्ट टू लास्ट में, कि मैंने कुछ एक चीज़ें खरीदी हैं, और ये स्ट्रीट में इस तरह की शॉप लगाते हैं, बहुत ही सही वाली चीज़ें देते हैं। तो अगर आप मॉल या इनसे अवॉइड करो ना, तो स्ट्रीट शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। साथ में मेरी जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, वो भी घर में होती जा रही है। यहाँ पर आ गया है मेरा एक कोरियर, जो कि मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी सेपरेट वीडियो में। सो गाइज़, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये मैं सोसाइटी आ गई हूँ, और ये लोग थोड़ा सा अपना कुछ चिल टाइप मारने गए थे। मैं और मेरे भाई जो है ना, हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और साथ में मैंने कुछ नूडल्स वगैरह। तो हमारा होने वाला है डिनर, और मेरे हस्बैंड खाएंगे फ्रूट्स, तो क्योंकि उनका फास्ट है। तो मिलती हूँ आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड या टिल देन बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर।